हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के फरमाइश पे राजमा चावल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी एक बार मेरे तरीके से राजमा चावल जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। राजमा चावल की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम राजमा को रात भर के लिए भिंगो के रखा था और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक कुकर में राजमा को हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 तेजपत्ता ऐड करेंगे और हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में 5 सीटी आने तक पकने देंगे। देखिए 5 सीटी लग चुका है और कुकर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम ढक्कन हटा देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि राजमा अच्छे से गला है कि नहीं। देखिए हमारा जो राजमा है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम राजमा को इसी में रहने देंगे और हम आगे की तैयारी करेंगे। अब इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए 1 पूरा लहसुन छील के, 1 इंच कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर लिया है। अब एक मिक्सर के जार में इन सभी मसालों को ऐड कर लेंगे और इसका हम फाइन सा पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लगभग 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं और इससे अच्छे से गर्म होने दें। देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा जलने देंगे। देखिए जीरा भी अच्छे से जल चुका है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज का एकदम फाइन चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में कवर करके अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इससे तेल ना अलग हो जाए। देखिए इसे तेल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और ध्यान रखिए कि हमने राजमा में भी थोड़ा सा नमक डाला है तो उसी अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बॉईल के हुआ राजमा और उसमें जो पानी है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से पकने देंगे। देखिए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे कि जो कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाए।
देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी राजमा की सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बना है। देखिए यहाँ पे मैंने राजमा चावल को सर्व कर लिया है। आपने देखा किसे बनाना कितना आसान है और कि मानिए खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे मैंने चावल की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की है क्योंकि ये प्लेन राइस है और प्लेन राइस में कुछ करना नहीं होता, सिर्फ हमारा जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से एक बार राजमा की सब्जी जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरह से राजमा की सब्जी बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे जरूर बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।